गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है आप लोगों का घर में समय। तो काफ़ी समय के बाद मैं वापस से यूट्यूब में ज्वाइन हुआ हूँ और बहुत तरह का बीच में सिचुएशन पार हुआ है। खैर चलिए शुरू करते हैं। और ये जो है लीफो मैथड, यानी कि मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब में कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स का रूल्स को पूरा डाला था। तो फर्स्ट मैंने टारगेट किया मटेरियल कॉस्ट एंड वैल्यूएशन चैप्टर, तो उसमें मैंने फीफो मेथड तक का एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाया। आज मेरे सामने है लीफो लास्टिंग फर्स्ट ऑर्डर मेथड, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया गया है। जनवरी टू परचेज 4000 यूनिट एट द रेट ऑफ 4 ईच। जनवरी 20 परचेज 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 5 ईच। फरवरी 5 इशूड 2000 यूनिट, यानी कि इशूड के लिए कोई भी तरह का रेट नहीं दिया रहता, ये हम लोगों को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इशू करना है। देन फरवरी 10 परचेज 6000 यूनिट एट द रेट ऑफ 6 ईच। देन फरवरी 12 इशूड 4000 यूनिट। मार्च 2 इशूड 1000 यूनिट। मार्च 5 इशूड 2000 यूनिट। देन मार्च 15 purchase 4500 unit at the rate of 5 each and at the rate of 7 each and March 20 issued 3000 unit। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है और इसमें हमारा आंसर जो है वो कैसे निकाला जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो मैंने इस क्वेश्चन को बोर्ड में बना दिया है और अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। क्वेश्चन का डेटा आप लोगों के पास ऑलरेडी है, तो आइए शुरू करते हैं। तो जनवरी 2 को 4000 क्वांटिटी खरीदा गया 4 रुपीज करके, जिसका अमाउंट हुआ 16000। इस डेट में किसी भी तरह का इश्यू नहीं हुआ है, इसलिए ये ब्लैंक रहेगा। बैलेंस में इसी 4000 यूनिट को दोबारा हम लोग रिपीट कर देंगे, क्योंकि इस डेट में कोई इशू नहीं हुआ है, तो इसीलिए पूरा का पूरा 4000 यूनिट 4 रुपीस करके 16000, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। देन जनवरी 20 अगेन हम लोग परचेस कर रहे हैं 500 क्वांटिटी 5 रुपीस करके 2500। इस डेट में भी किसी भी तरह का इशू नहीं हुआ है, इसलिए ये 500 5 रुपीस करके 2500 जो परचेज हुआ है, यही हमारा बैलेंसिंग फिगर में भी चला जाएगा। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास स्टॉक में टोटल 4500 यूनिट है आ चुका है, अभी तक कुछ भी इशू नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में इशू होता है कि नहीं। फरवरी 5 में इशू दिया हुआ है, इसलिए देखिए यहां रिसिप्ट वाले कॉलम में ब्लैंक। फरवरी 5 में इशू हो रहा है 2000 यूनिट। अब ये 2000 यूनिट में हम लोग सबसे पहले ये 500 यूनिट को इशू करेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे लास्ट में आपके पास आया है उसको सबसे पहले निकालो। तो 2000 यूनिट में 500 यूनिट 5 रुपीस करके 2500 इशू हो गया और रिमेनिंग 1500 को ये 4000 यूनिट से लिया। तो 4000 यूनिट से 1500 यूनिट ले लिए, कितना रेट में? 4 रुपीस करके, जो रेट यहां पे दिया हुआ है, और इसका अमाउंट हो गया 6000। आफ्टर इशूइंग द स्टॉक वी हैव बैलेंस, 500 का तो बैलेंस बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये टोटली यहां इशू हो चुका है, लेकिन 4000 में से 1500 इशू करने के बाद वी हैव बैलेंस ऑफ 2500 यूनिट, और 2500 यूनिट का 4 रुपीस करके हमारे पास बैलेंस हुआ 10000। ये हुआ अभी तक का हमारा स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। फरवरी 10 को अगेन हमारे स्टोर में परचेस किया जा रहा है 6000 यूनिट 6 रुपीस करके 36000। इस डेट में कोई इशू नहीं है, इसलिए इशू वाला कॉलम ब्लैंक होगा और ये 6000 यूनिट 6 रुपीस करके 36 हमारे गोडाउन में यानी स्टॉक में ऐड हो जाएगा। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि टोटल हमारे पास 2500 प्लस 6000 टोटल 8500 यूनिट है हमारे स्टॉक में, इसलिए देखिए ये एक स्पेशल इंडिकेटर कर दिया यहां पे ताकि ये दोनों अभी तक इशू नहीं हुआ है। देन फरवरी 12 में किसी भी तरह का परचेज नहीं है, तो यहां पे डैश हो जाएगा, लेकिन इशू में आप देख सकते हैं कि फरवरी 12 में 4000 यूनिट इशू हो रहा है।
तो 4000 यूनिट को इशू करने के लिए सबसे पहले आपको 6000 यूनिट को दिमाग में रखना होगा, क्योंकि सबसे लास्ट में ये वाला यूनिट आपके पास आया है। तो हम लोग जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस मेथड के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट यूनिट को सबसे पहले इशू किया जाएगा। तो 4000 यूनिट को इशू करने के लिए हमने 6000 में से 4000 ले लिया, 6 रुपीस करके 24000। इशू करने के बाद मेरा बैलेंस क्या बचा? 2500 एज इट इज रह गया, और 6000 में से 4000 इशू करने के बाद हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बचा 2000। तो 2500 4 रुपीस करके 10000, और 2000 यूनिट 6 रुपीस करके 12000, यानी टोटल मेरे पास अभी 4500 यानी 4500 यूनिट हमारे पास स्टॉक में है। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं, मार्च 2, इस डेट में भी कोई परचेज नहीं हुआ है, इशू हुआ है 1000। अब इस 1000 को इशू करने के लिए मेरे पास दो स्टॉक है, एक ये 4 रुपीस वाला और एक ये 6 रुपीस वाला। बट दिमाग में ये रखना है कि सबसे लास्ट में ये 6 रुपीस वाला स्टॉक आया है, तो 6 रुपीस वाले स्टॉक को सबसे पहले निकालना होगा। तो 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 6, 6000। तो इसको इशू करने के बाद जब हम लोग देखते हैं कि इसको इशू कर चुके हैं, तो हमारे पास इस 1000 यूनिट को इशू करने के बाद बैलेंसिंग फिगर क्या बच रहा है? तो बैलेंसिंग फिगर है 2500 यूनिट जो ऑलरेडी पहले का है, 4 रुपीस करके 10000, एंड 1000 यूनिट मेरे पास बचा हुआ है 6 रुपीस करके 6000, यानी मेरे पास अभी टोटल है 3500 यूनिट। अब आते हैं नेक्स्ट मार्च 5 में फिर से इशू हो रहा है 2000 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, मार्च 5 में 2000 यूनिट इशू हो रहा है। तो 1000 ये 6 रुपीस वाला को सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आया है, जो सबसे लास्ट में आया है उसको सबसे पहले निकालना है। तो 1000 यूनिट 6 रुपीस करके 6000, और 2500 में से रिमेनिंग 1000 को लिया जाएगा, तो 1000 4 रुपीस करके 4000। एक बार फिर से 2000 यूनिट इशू करना है, इस 2000 के लिए 1000 सबसे पहले 6 रुपीस वाला से लिया गया क्योंकि ये सबसे लास्ट में आया है, और बचा हुआ 1000 जो है वो 2500 यूनिट से लिया गया 4 रुपीस कर। तो इसका अमाउंट हो गया 6000, इसका अमाउंट हो गया 4000। अब बैलेंसिंग फिगर की ओर आते हैं, क्योंकि हमारा एक कॉलम जो है वो बैलेंस को इंडिकेट करता है। तो यहां पे 2500 में से 1000 इशू कर दिए तो बचा 1500, और 1000 में से पूरा 1000 इशू कर दिए तो बचा नील, कुछ भी नहीं रहा हमारे हाथ में। तो 1500 इनटू 4 6000 अभी भी मेरे स्टॉक में है, 6000 वैल्यू का है ना, एक्चुअली 1500 यूनिट हमारे स्टॉक में। मार्च 15 को 4500 यूनिट परचेज किया गया एट द रेट ऑफ 7 ईच 31500। इस दिन किसी भी तरह का इशू नहीं हुआ है, इसलिए इशू वाला कॉलम ब्लैंक होगा, और ये 4500 हमारे पहले से जो गोडाउन में यूनिट है उसमें जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 4500 7 रुपीस करके 31500। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास अभी गोडाउन में टोटल 6000 यूनिट है, 1500 पहले का, 4500 उसके बाद का, यानी सबसे लास्ट में 4500 आया है गोडाउन। अब मार्च 20 को कोई भी परचेज नहीं है, लेकिन मार्च 20 को इशू हुआ है 3000 यूनिट। तो ये 3000 यूनिट के लिए मेरे पास ऑप्शन है 4500 और 1500। कॉमन सेंस, हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे लास्ट में आया है उसको सबसे पहले निकालना है। तो 4500 में से 3000 यूनिट को इशू करेंगे 7 रुपीस करके 21000। अब बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, तो 1500 यूनिट से कुछ भी इशू नहीं हुआ, इसलिए ये एज इट इज रहेगा 4 रुपीस करके, और 4500 में से 3000 इशू हो गया तो हमारे पास बचा केवल कितना, 1500 7 रुपीस करके। तो 1500 इंटू 4 6000, 1500 इंटू 7 10500। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हुआ 16500। और अगर बात करें कि टोटल इशू कितना हुआ, तो टोटल इशू हुआ क्वांटिटी में 12000 यूनिट, और उसका अमाउंट हुआ 69500। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन ऑन लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। थैंक यू।